नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देवरिया आजाद हिंद सेना वाहिनी के संस्थापक ऋषि पांडे एडवोकेट ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि संगठन द्वारा 23 जनवरी को समारोह पूर्वक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आयोजित की जाती है। उक्त कार्यक्रम इस वर्ष 24 जनवरी को शहर के रागिनी मोड़ स्थित सुभाष प्रतिमा पर आयोजित है। आजाद हिंद सेना वाहिनी बना के हम लोग पिछले 23-24 सालों से जनता के जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। और तीन सुभाष चौक, जो मालवीय रोड का सुभाष चौक है, वह रागिनी मोड़ का नेताजी की प्रतिमा और रामपुर कारखाना में सुभाष जी की प्रतिमा आज़ाद हिंद सेना द्वारा स्थापित करवाई गई है। और अब की संगठन 25वें साल में प्रवेश कर रहा है। 30 जनवरी को शहादत दिवस के अवसर पर संगठन अपने पैसे से, अपने प्रयास से और जनता का सहयोग काफ़ी तेज़ी से मिल रहा है। 30 जनवरी को हम लोग एक सुभाष आश्रम नाम से एक वृद्धाश्रम का निर्माण करेंगे, जिसके लिए 30 जनवरी को यहाँ बारीपुर मंदिर के बगल में, बारीपुर मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर जमीन ले ली गई है। और 30 तारीख को शिलान्यास कार्यक्रम है, जहाँ पर वृद्धों को रखा जाएगा, अनाथ और वृद्धों को रखा जाएगा, सेवा की जाएगी। यह जिले का पहला वृद्धाश्रम है और नेताजी के नाम पे बन रहा है। वहाँ नेताजी की खूबसूरत आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और उसको पार्क की तरह बनाया जाएगा। और यह न कोई एनजीओ है, न ट्रस्ट है। इसके बारे में यह कहना चाहेंगे कि अपने प्रयास से और संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से और जनपद के मानिंद लोगों के सहयोग से यह वृद्धाश्रम बनेगा, सुभाष आश्रम। ऋषि कुमार पांडे, संस्थापक अध्यक्ष, आज़ाद हिंद सेना वाहिनी, विशेष अध्यक्ष।